हे गाइस, तो वेलकम हो गया आप सभी का एक ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। तो जस्ट अभी भी उठा था और अभी मम्मू धो के आ चुका हूँ और थोड़ी देर पहले ही आप नदीम का व्लॉग देखा। तो नदीम के व्लॉग देखने के चक्कर में मैं सौरभ जोशी का व्लॉग देखना भूल जाता हूँ। हाँ क्या यार, मेरा भाई क्या कंटेंट बनाता है यार। चलो जी ठीक है, तो अभी चाय नाश्ता करके फिर आपसे मिलते हैं। ये कैसे खुल गया? तो अभी चलते हैं नीचे दूध लेने। ये बंद था। आज जो है ना, वो गंदे वाली हवा लग रही है, गंदी हवा जो होती है जिससे काम लगता है या बुखार आता है या तबीयत खराब होती है। असल चीज़ नहीं है लेकिन ये हवा खराब है। इस और इस हवा में मज़ा भी बहुत आता है, हिलने में, बाहर निकलने में, फंसे ये बहुत खराब है। पहले चलते हैं, इसके बाद कॉल पैकेज कराते हैं। हम यहाँ से लेते हैं अपना दूध। दूध ले लिया है, अब चलते हैं वापस प्लेट की ओर। गाइस यार, हम बहुत ऊपर रहते हैं। अभी अपनी चाय आने वाली है और ला रहा है वो मेरा दोस्त। आपका फेस नहीं आ रहा, सिर्फ आपके हाथ आएंगे। और ये आ गई अपनी चाय। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी पीते हैं चाय और चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं। गरम है, आराम से पीते। हे गाइस, तो अभी आज होगी हमारे किचन की सफाई, क्योंकि आज हमारे दोस्तों ने प्लान किया है कि खाना यहीं पे बनाएंगे। तो ये लोग अब करेंगे सफाई और मुझे काम दिया गया है कि जाके सब्जी लेके आए। सब्जी, आलू और क्या, बसर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे तो अभी चलते हैं सामान लेने। बनाना आता नहीं है, चाय भी इन्होंने यही से सिखाई है और भी बताया जाए सब भी लेके उन्हें क्या दे सकते हैं मुझे। भाई ये जो अभी हवा चल रही है ना, इसमें बाहर बिल्कुल काम कम ही निकलना चाहिए, बहुत ही खराब है सर्दियों में। दिमाग के लिए काम हो तो सिर्फ निकलना आसान था भाई, घर पर बैठो। है गाइस, तो सामान ले लिया जो लेना था। तो अभी हमारे यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं वो बना रहे हैं वो बना रहे हैं बिरयानी। तो हमारे बोची ने कुछ ऐसे बनाए हैं पुलाव। मैं सो गया था और अभी अभी उठा हूँ। अब सीन ऐसा है कि मुझे ना अपना फॉर्म फिल करवाने और नदीम से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा अकेला चला जाता हूँ, क्या करेगा वो आकर। तो उससे पहले चलते हैं नहाने, नहा के उससे पहले जाते हैं नहाने, नहाने के बाद चलते हैं अपना फॉर्म फिल करवाने। ए गाइस, तो अभी मैं नहाने के रेडी हो चुका हूँ और अभी चलते हैं अपना काम करवाने। मीन्स मेरे हंगरी की जो स्कॉलरशिप है उसका फॉर्म भरवाने, और ये मेरा डॉक्यूमेंट बैग है, उसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स। तो अभी चलते हैं, फिलहाल के लिए कोई मस्ती वस्ती नहीं, सीधे मुँह। है गाइस, तो अभी जहाँ मैं गया था मीन्स अपना फॉर्म फिल करवाने, तो मेरा फॉर्म तो फिल हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पे मीन्स कुछ जो सर्टिफिकेट वो चाहिए थे आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, जिनमें एक आईलेट्स था और मेडिकल से रिलेटेड कुछ था और फिजिकल ऐसे कुछ, मीन्स दो तीन सर्टिफिकेट चाहिए थे। जो मीन्स मेडिकल था, मेडिकल का तो हम कर लेते और फिटनेस का भी हम कर लेते, लेकिन आईलेट्स का कोर्स जो है वो मेरा नहीं किया हुआ है,
मैं नर्सिंग के दौरान ही करूँगा, अबुन भी यही बोला था, लेकिन अभी यहाँ पे चाहिए था। आउट ऑफ फॉरन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ज़रूर मीन्स वो आपके पास होना ही चाहिए, तो वो मेरे पास था नहीं, तो उस हिसाब से हंगरी वाली जो अपनी स्कॉलरशिप थी उसे कहते हैं कैंसल। और अब इंशाल्लाह देखते हैं, डाओ ऑप्शन है और अभी तक लम्स की मेरिट लिस्ट नहीं लगी है, उसका भी वेट करते हैं। अगर हैदराबाद में ही अपना हैदराबाद में ही हो जाता है तो बेस्ट है, क्योंकि ये मेरा और मेरे अबू का फेवरेट सिटी है, और देखते हैं आगे क्या होता है। वहाँ से वापस आकर मैंने अपने लिए चाय भी बना दी है, और ये मैंने सेकंड टाइम अपने लिए चाय बनाई है। तो अभी का सीन ऐसा है कि खाने आए थे यहाँ पे आलू, तो बस आने वाली प्लेट में, तो अभी खाते हैं आलू, और आलू खाने के बाद आपसे मिलते हैं। Hey guys, होप करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज एक न्यू खुशखबरी ये भी है कि मेरे टिकटॉक पे ना 20K लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं, आज 20.1 के भी हो चुके हैं, मीन्स मेरे हाँ एक ही दिन में हो गया। आगे भी मिलते हैं कल फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।